राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सेवा अधिनियम कानून बन गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को लोकसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 पेश किया। यह विधेयक राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं के नियंत्रण पर विवादास्पद अध्यादेश को बदलने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार लोगों के जीवन की गुणवत्ता को कम कर देता है और इससे लड़ना हमारे लोगों के प्रति हमारा पवित्र कर्तव्य है। कोलकाता में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की तीसरी और अंतिम बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की सख्त नीति है। महाराष्ट्र की प्रस्तावित 3411.17 करोड़ रुपए की लागत से वैभववाड़ी कोल्हापुर रेलवे लाइन की सिफारिश पीएम गति शक्ति के तहत 93 राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक में की गई। औपनिवेशिक युग की हर निशानी मिटाने को आतुर मोदी सरकार की ओर से गुलामी काल के कानूनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लोकसभा में 3 विधेयक पेश करने के केंद्र के कदम का कानूनी विशेषज्ञों ने स्वागत किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अक्सर कुछ वैचारिक कारणों के कारण भारत के हितों की बलि दी जाती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि पीएम मोदी सरकार हमेशा देश के हितों को अपने मूल में रखते हुए दुनिया के साथ काम करेगी। जम्मू कश्मीर से 3 साल के भीतर लगभग 10,000 महिलाओं के गायब होने के मुद्दे पर आपने केंद्र सरकार को घेरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कांग्रेस पर आरोप मढ़कर मणिपुर की विस्फोटक स्थिति पर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक चर्चा हुई। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। यह अविश्वास प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया, हालांकि इसको लेकर राजनीति अभी भी जारी है। सीएम योगी ने एथेनॉल प्लांट का किया शिलान्यास, बोले सपा बनाना चाहती थी बूचड़खाना, हमने लगाया उद्योग। स्वतंत्रता दिवस पर मेट्रो सेवाएं सुबह 5 बजे से शुरू होंगी, सुरक्षा व्यवस्था के कारण पार्किंग बंद रहेगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 5 बजे शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमें लालच से दूर रहने के प्रति आगाह किया था, क्योंकि यह हमें सच का एहसास नहीं होने देता। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार का असर गरीबों तथा वंचित तबकों के लोगों पर पड़ता है। भ्रष्टाचार संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है, इसके खिलाफ हमने कड़ी नीति अपनाई है। ऑल ऑफ यू टू द फर्स्ट एवर G20 एंटी करप्शन मिनिस्ट्रियल मीटिंग इन फिजिकल फॉर्मेट। यू आर मीटिंग इन कोलकाता, द सिटी ऑफ नोबेल लॉरियट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इन हिज राइटिंग्स ही हैड कॉशन अगेंस्ट ग्रीड बिकॉज इट प्रिवेंट्स अस from realizing the truth. The ancient Indian Upanishads also wish for Ma Grada, meaning let there be no greed. Friends, the impact of corruption is felt the most by the poor and the marginalized. It affects resource utilization. It distorts markets. It impacts service delivery and ultimately it diminishes people's quality of life. In the Arthashastra, Kautilya asserts that government's duty is to enhance the state's resources to maximize the welfare of its people. Achieving this goal requires combating corruption, and that is why fighting corruption is our sacred duty to our people. Friends, India has a strict policy of zero tolerance against corruption. We are
leveraging technology and e-governance to create a transparent and accountable ecosystem. Leakages and gaps in welfare schemes and government projects are being plugged. Hundreds of million people in India have received direct benefit transfers into their bank accounts. Excellencies, the issue of fugitive economic offenders is a challenge for all G20 countries and for the global south. At my very first G20 summit in 2014, I had spoken on this very issue. At the G20 summit in 2018, I presented a 9-point agenda for action against fugitive economic offenders and for asset recovery. And I'm pleased to note that decisive steps are being taken by your group. We welcome the action-oriented, high-level principles on 3 priority areas: law enforcement cooperation through information sharing, strengthening asset recovery mechanism, and enhancing integrity and effectiveness of anti-corruption authorities. I wish you all a productive and successful meeting. Namaskar. मध्य प्रदेश में सागर के बरतुमा में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले संत शिरोमणि रविदास जी के भव्य मंदिर एवं स्मारक के निर्माण कार्य का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 1.5 साल बाद वो इस मंदिर के लोकार्पण के लिए भी जरूर आएंगे और संत रविदास जी उन्हें यहां दोबारा आने का मौका देंगे। वहीं सीएम शिवराज ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रविदास जयंती के दिन सागर के बरतुमा में मंदिर बनाने का निर्णय लिया गया था। यहां उनका दिव्य एवं भव्य मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बुंदेलखंड व सागर के लिए यह सौभाग्य का दिन है। सागर में समरसता का महासागर उमड़ा हुआ है। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहाँ संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और मैं काशी का सांसद हूँ और इसलिए ये मेरे लिए दोहरी खुशी का अवसर है और पूज्य संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं विश्वास से कहता हूँ कि आज मैंने शिलान्यास किया है। 1.5 साल के बाद मंदिर बन जाएगा तो लोकार्पण के लिए भी मैं जरूर आऊंगा। मुझे बनारस में संत रविदास जी की जन्मस्थली पर जाने का कई बार सौभाग्य मिला है और अब आज मैं यहाँ आप सबके सानिध्य में हूँ। मैं आज सागर की इस धरती से संत शिरोमणि पूज्य रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड की इस धरती पर संत रविदास जी के मंदिर स्मारक के लिए भूमि पूजन करने पधारे हमारे प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता सम्मानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए और सागर के लिए सौभाग्य का दिन है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, उनका दिव्य मंदिर, उनका भव्य मंदिर और उनका अलौकिक मंदिर इस धरती पर बनने वाला है। बहनों और भाइयों, हमने मिलकर फैसला किया था रविदास जयंती के दिन के सागर में बरतुमा में रविदास जी का भव्य मंदिर बनाया जाए और हमारा सौभाग्य इसलिए कि संत रविदास जी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे हुए हैं। संत रविदास जी महाराज भारत को जोड़ने वाले संत थे। कोई जात नहीं, पात नहीं, ऊंचा नहीं, नीचा नहीं, छोट वर सब संबसे, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। भक्ति कैसे करें, कर्म कैसे करें, इसका संदेश देने वाले
संत रविदास जी महाराज, उनके जीवन और दर्शन पर आधारित ये भव्य स्मारक बनेगा और आने वाली पीढ़ियां भी संत रविदास जी को जानेंगी और उनके बताए मार्ग पर चलेंगी। मेरे बहनों और भाइयों, संत रविदास जी के मार्ग पर चलकर सरकार चलाने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिलही सबही को अन्न। और आज ये देश जानता है 80 करोड़ गरीब बहनों और भाइयों को निशुल्क अन्न की व्यवस्था की है तो श्रीमान मोदी जी ने की है। और केवल अन्न नहीं, जनता की जिंदगी की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने का काम प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को मकान, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय बना के बहनों को सम्मान देने का काम, आयुष्मान भारत योजना बना के गरीबों का इलाज कराना, जो रविदास जी ने कहा वो मोदी जी कर रहे हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है, मोदी जी के आशीर्वाद से और उनके बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। हमें गर्व है यह कहते हुए कि 1,30,00,000 लोग गरीबी से मध्य प्रदेश में भी बाहर निकले हैं प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण। विकास के अनेकों काम, आज भी रेल लाइन का दोहरीकरण, 2,500 करोड़ की सड़कें। लेकिन और मैं प्रसन्नता का समाचार आपको दे रहा हूँ, इसका लोकार्पण तो आज होगा, लेकिन बुंदेलखंड वासियों, प्रधानमंत्री जी ने ऐसे फैसले किए जो बुंदेलखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहाँ की जनता की तकदीर भी बदल देंगे। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर 3 दिनों तक हुई चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया और यह अविश्वास प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। हालांकि इसको लेकर राजनीति अभी भी जारी है। दूसरी ओर संसद के मॉनसून सत्र के समापन पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि हम मजबूरी में अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मामले पर बोले। उन्होंने कहा कि जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस लंबित थी तब भाजपा संसद में विधेयक पारित कर रहे थे, विपक्ष को कई विधेयकों पर अपनी राय रखने का मौका नहीं मिला। सदन में हम लोग बाहर से आते हैं, दूर दराज इलाके से हम लोग आते हैं सदन में शिरकत करने के लिए, आम लोगों की बात रखने के लिए, आम लोगों के मुद्दा को उठाना और सरकार से जवाब मांगना, ये सारे हमारे जिम्मेदारी होती है, इसी के चलते हम सदन में आते हैं। इसलिए आप सब जानते होंगे कि शुरू के दिन से देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग ये गुहार लगाते आए थे कि मणिपुर की आज की जो हालात, ये हालात बड़ा गंभीर होते जा रहे हैं और देश की प्रधानमंत्री होने के नाते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को यह जिम्मेदारी भी बनते हैं कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर सदन में वो बात रखे। ज्यादा तो हम मांग नहीं किए थे, सिर्फ 2 टुक मणिपुर के बारे में बोलने के लिए हमारी तरफ से मांग सदन शुरू होने का पहले से ही हम उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम मोदी जी से ये उम्मीद करते हैं कि सदन शुरू होते ही उन्होंने कम से कम मणिपुर के बारे में 2-4 बात रखे और हम सदन शुरू कर दे। बस मतलब इसमें साफ है कि हम सदन चलाने के लिए ही सदन में आए और सही ढंग और सुचारू रूप से चले, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी को दरखास्त भी किए। लेकिन हमारे बात को जब टालते गए तो हमें भी अपना देश की प्रधानमंत्री को संसद में आने के लिए उपाय भी ढूंढते रहे और ढूंढते अंतिम औजार जो हमारे संसदीय व्यवस्था में होते हैं अविश्वास प्रस्ताव लाए, क्योंकि कम से कम प्रधानमंत्री जी सदन में आके बात तो रखे। तो बस यही आपने देखे हैं रूल 198 के तहत ये होते हैं हमारे ये अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा। और हमारे पार्लियामेंट की ये परंपरा होते हैं कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा खत्म नहीं होते तब तक बाकी जो बिल वगैरह है उसको पारित नहीं किया जा सकता। मैंने उदाहरण के तहत आपको बताना चाहते हैं कि 1978 ऑपोजिशन लीडर थे स्टीफन साहब, प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई, शायद 10 या 11 मई को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे। उसी दिन, मतलब जिस दिन सदन प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाए गए थे उसी दिन सदन में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में चर्चा भी शुरू हो गई थी। इसका नतीजा क्या निकला, बाकी सदन सही ढंग से सुचारू रूप से चले। मुझे लगता था कि हमारे पार्टी को, सारे विपक्ष को, हम सबको एहसास तो थी कि देश की प्रधानमंत्री चांद से लेकर चीता तक हर चीज में बात रखते हैं, तो भलाई मणिपुर क्यों, कोई भी मुद्दे पे देश की विपक्ष के सारे विपक्ष जब मांग करते हैं, विपक्ष को मांग, विपक्ष की मांग को
सम्मान देते हुए वो भी हमारे लिए और देश के लिए मणिपुर के लिए कुछ बात रखेंगे। ये तो हुआ ही नहीं, लेकिन इसके उल्टा हुआ। जैसे कि हमारे परंपरागत जो तरीका है सदन के अंदर कि अविश्वास प्रस्ताव लाने से और कोई चर्चा नहीं होना चाहिए जब तक अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा खत्म ना हो, लेकिन आज की सरकार ने परंपरागत जो तरीके थे, रीति रिवाज सबको अमान्य करते हुए एक के बाद एक बिल पारित करते रहे। लगभग मान लीजिए 20 विधायक सदन में पेश तो हुई, बिल पास हो गए 22। और सबसे बड़ी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारने के बाद 17 ऐसे बिल है वो भी पारित हो गए। मतलब क्या हुआ कि विपक्ष ने कोई ऐसा विधायक पे अपना बात रखने की मौका नहीं मिल पाए। तो हम किधर जाए? परंपरा इसको मान्यता देने के लिए सरकार को गुहार लगाए। तो इसमें सारे जो इंडिया अलायंस, उन्होंने ये फैसला किया था कि दिल्ली बिल के मुद्दे के अलावा बाकी सारे बिल ना पारित हो और हमारा मांग जारी रहे कि मणिपुर की चर्चा शुरुआती तौर पे किए, बाकी सुचारू रूप से सब कुछ चले। तो ये बड़ी दुख की बात है कि इतने सारे मेंबर हिंदुस्तान की हर कोने से आते हैं लेकिन अपना बात रख नहीं पाते, फिर सदन खत्म हो जाते। दिल्ली में तो हमारे कोई सरकारी दफ्तर नहीं है कि यहाँ जैसे कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों के है, लेकिन हमारा मन में जो दुख लेके जा रहे हैं, मैं उसी दुख का ही बयान करते हैं और कुछ नहीं। सदन में तो बिल पारित हुई है, ये तो सही है, लेकिन वो बिल पारित में हम लोग भाग नहीं ले पाए, यही हमारा दुख है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects in past, we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने इस मौके पर केडी सिंह बाबू स्टेडियम से नशा मुक्ति प्रदेश सशक्त प्रदेश अभियान का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि नशा शरीर को खोखला कर देता है। उन्होंने कहा कि जो युवा अपनी जवानी को देश और समाज के कल्याण के लिए काम में ला सकते हैं, वो नशे के दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा रहे हैं। सीएम ने युवाओं से नशा न करने और इसके दुष्परिणामों को लेकर सचेत किया। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के सभी युवाओं को मैं हृदय से बधाई देते हुए नशा मुक्त प्रदेश के इस संकल्प के साथ जुड़ने का मैं उन सबका आह्वान करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के द्वारा 7 दिसंबर 1999 को 12 अगस्त की तिथि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मान्य की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस तिथि को मान्यता मिलने के बाद दुनिया भर के अंदर प्रतिवर्ष एक नई थीम के साथ इस आयोजन को यूनिसेफ के साथ मिलकर के दुनिया के युवा इस अभियान का हिस्सा बनते हैं। आज की 2023 की अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम ग्रीन स्किल फॉर यूथ टुवर्ड्स सस्टेनेबल वर्ल्ड यह रखा गया है। हम सब जानते हैं कि इस थीम के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश को नशा मुक्त करना और नशा मुक्त करके सशक्त बनाना, यानी नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश, इस अभियान के साथ हम सबको जुड़ना होगा। आप सब जानते हैं यूनिसेफ प्रदेश के अंदर अनेक कार्यक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। तमाम ऐसी बीमारियां जो वर्षों से हमारे युवाओं को, बच्चों को निगलती थी, इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां, यूनिसेफ और पाद जैसी संस्थाओं ने जब केंद्र और राज्य सरकार के साथ बेहतर समन्वय किया, आज परिणाम है इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह समाप्त हो गई। हजारों ये बच्चे जो समय काल कलवित होते थे, उन बच्चों की जान बचाई जा सकी है। याद करिए, बीमारी के खिलाफ सरकार का ये कार्यक्रम अगर सफलता को प्राप्त कर सकता है तो कृत्रिम रूप से जो बीमारी स्वयं की आदतों के कारण
कोई मनुष्य पैदा करता है उसका समाधान क्यों नहीं हो सकता। यानी जिस जवानी में व्यक्ति को स्वयं के, समाज के और देश के भविष्य के बारे में चिंतन करते हुए नए सपनों को बुनना और उसके अनुसार प्रसारित करने के अभियान के साथ जुड़ना चाहिए। अगर उस जवानी में वह नशे के आदि हो जाएगा तो नशे का आदि व्यक्ति ऐसे ही है, नशा ऐसे ही है जैसे दीमक अंदर अंदर किसी वस्तु को खोखला बना देता है, ऐसे ही नशा व्यक्ति को अंदर अंदर खोखला बना देता है और उसके बाद वह युवक किसी लायक नहीं रहता, किसी भी लायक नहीं रहता, वह परिश्रम नहीं कर सकता, उसके चिंतन की जो व्यवस्था है वह समाप्त हो जाती है, वह अपने को कहीं भी परिश्रम नहीं कर सकता है। किसी अभियान में जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उसे जुड़ना चाहिए वह नहीं जुड़ सकता है और अंततः एक समय वह काल कल्पित हो जाता है। एक मान्यता है भारत के अंदर 65 करोड़ युवा है, 20 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु के जितने 55 वर्ष तक की आयु के जो भी श्रेणी है ये सभी युवा की श्रेणी है और उसमें भी उत्तर प्रदेश के अंदर 9 करोड़ युवा हैं। 9 करोड़ युवा, इन 9 करोड़ युवाओं के सपने को एक नई उड़ान देनी है, इनके सपनों का प्रदेश बनाना है। आप सभी युवाओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूं। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विशेष चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के जीवन का सपना अपना घर बनाना था उन सभी लोगों ने अपने सपने को साकार किया है। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई आवास योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की और कहा कि शहरी मकान के लिए सरकार द्वारा 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और ये रुपए 3 किश्तों में दिए जाते हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने 67,649 शहरी मकानों का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसमें से 14,939 मकान बनाए जा चुके हैं और 15,356 मकान निर्माणाधीन हैं और शेष मकानों को भी जल्द पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये दो योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसका पूरा करने के लिए और एक न केवल सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है, जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है, 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है, 3 किस्तों में, जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है, छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। हमारे शहरी मकानों का जो टारगेट 67,649 मकानों का हरियाणा का था उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं, 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं, शेष मकानों को भी बहुत जल्दी पूरा करके और लोगों को दिया जाएगा। इस सारे पर हमने 522 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की भी ऐसी योजना थी जिसके अंदर कुल 1,38,000 रुपये का लाभ उनको पहुंचाया जाता है। इसकी योजना में भी 29,440 मकानों के निर्माणों की जो स्वीकृति मिली थी सभी मकान बन करके और हमने उनको लोगों को अलॉट कर दिए हैं। 3 किस्तें इसमें भी उसी प्रकार से दी जाती थी और 1,38,000 रुपया उनको ये मिलता था। तो इसलिए ये जो मकान बनाने का सपना जो व्यक्ति का पूरा होता है व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित होता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सहायता समाज में सब लोगों को मिलनी चाहिए और जब समाज को मिलेगी मकान उसका चाहे अपना छोटा हो अथवा बड़ा हो व्यक्ति उसी से संतोष व्यक्त करता है। तो हम भी जब प्रधानमंत्री की इस योजना से अगर घर जो है हमने बनाया है उसको सरकार के सहयोग से बनाया है, कुछ हमने अपना प्लॉट लिया है, ये सब बातें करने के बाद उस व्यक्ति का संतोष ये ज़रूर दिखता है
और इसका सपना जो पूरा होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो व्यक्ति के सम्मान और स्वाभिमान को कायम रखने के लिए इतनी सब योजनाएं बनाई हैं, इससे समाज में एक बहुत बड़ी संतुष्टि है। आप भी निश्चित रूप से उस संतुष्टि में भागीदार होंगे। अब विषय होता है कि आखिर आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी अपना घर नहीं है। इसके लिए हमने अब योजना बनाई है और बहुत जल्दी ऐसे गरीब परिवार जो अपना मकान नहीं बना सकते हैं, इनकी जानकारी लेकर के और हमारे विभाग, खास करके हमारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, इनकी ओर से शहरों में एक योजना बनाई जा रही है। कुछ उसमें योगदान केंद्र सरकार का होगा, कुछ प्रदेश सरकार का होगा और कुछ योगदान व्यक्ति स्वयं अपना करेगा। तो इस प्रकार से 1 लाख और परिवारों का समाधान आवास के नाते से हो, इस प्रकार की एक मुख्यमंत्री आवास योजना ये हमने विचार की है। बहुत जल्दी आपके सामने वो योजना आएगी। दिल्ली भाजपा की महामंत्री एवं पार्षद कमलजीत शहरावत, मीडिया प्रमुख एवं प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर एवं दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर दिल्ली नगर निगम द्वारा विशेष स्कूल हेल्थ सर्विस विभाग बंद कर उसको नगर निगम के सामान्य हेल्थ सेवाओं के साथ समन्वित करने की निंदा की। आपने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट और स्कूल में एजुकेशन के लिए काम करते हुए देखा है। हमारे पास साउथ एमसीडी में तकरीबन 3 लाख बच्चे थे। आज जब कॉरपोरेशन यूनिफाइड हुई है तो तीनों कॉरपोरेशन के 1534 स्कूलों में एक आइडिया है कि 8 लाख के करीब बच्चे पढ़ते हैं। ये 8 लाख बच्चे उन फैमिलीज से आते हैं जो अंडर प्रिविलेज फैमिली है और इन फैमिलीज के पेरेंट्स के पास इनके ऊपर ध्यान देने का समय भी नहीं होता। इसी वजह से इनके हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए स्कूल हेल्थ एक डिपार्टमेंट काम करता था जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर होता था, लेकिन स्कूल हेल्थ को अलग से डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट और अलग से उनके लिए सारी फैसिलिटीज दी जाती थी। जिस समय मैं मेयर थी, मेरा एक डिस्पेंसरी में विजिट हुआ और मैंने स्कूल हेल्थ के डॉक्टर से पूछा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उन्होंने कहा कि स्कूल के अंदर जाकर आई टेस्ट करना और दांतों के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो थोड़ा दिक्कत आता है, उन बच्चों को डिस्पेंसरी में लाना पड़ता है। तो मैंने अपने बजट से 2 हेल्थ वैन प्रोवाइड की जिसके अंदर पूरा आई चेकअप क्लिनिक और पूरा डेंटल जो भी आपको चाहिए होते इक्विपमेंट्स वो फिटेड 2 गाड़ियां उनको दी ताकि बच्चों को फैसिलिटी हो। ये एक एग्जांपल है कि बच्चों की हेल्थ को हमने किस तरह से प्रायोरिटी दी है। हर साल एक रूटीन प्रोग्राम होता है जब बच्चों का चेकअप किया जाता है और हमने चुनाव में जाने से पहले भी हेल्थ में इन बच्चों के लिए हमने जो किया है उसको अपना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बताया था। हम स्कूल के बच्चों का एक हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाते थे, बच्चों का न्यूट्रिशन का पूरा टेस्ट होता था और जो भी कमी पाई जाती थी उनके अकॉर्डिंग उनको विटामिंस या जो भी उनको सप्लीमेंट्स चाहिए थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि स्कूल हेल्थ के जो एक अलग से डिपार्टमेंट था उसको जनरल हेल्थ के साथ जोड़ दिया गया है। अब उन सभी को जो हमारी MCW जो हमारी डिस्पेंसरीज हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि ये जो 8 लाख बच्चे हैं उनकी अब हेल्थ की चिंता कौन करेगा, क्योंकि जो हमारी डिस्पेंसरी है ऑलरेडी 225 के आसपास है वो ओवरलोडेड है और वहां स्टाफ की कमी थी। हमें लगता था कि जब दिल्ली सरकार जो बड़े वादे कर रही है तो कोई नया प्रपोजल लेकर आएगी, लेकिन उन्होंने इसकी व्यवस्था को और खराब कर दिया और स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए स्कूल हेल्थ को बिल्कुल हाशिए पे पहुंचाकर उसको मर्ज कर दिया गया है। तो आज आपके माध्यम से हम ये चिंता यहाँ पर रखना चाहते हैं कि इन बच्चों के हेल्थ के लिए जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट नहीं होंगे, इनकी रिपोर्ट कार्ड नहीं बनेगी, इनको विटामिन या जो भी सप्लीमेंट देने का एक रूटीन प्रोग्राम था वो बहुत इफेक्टेड होगा और आने वाले समय में इन बच्चों को जो न्यूट्रिशन या जो भी कमी थी उसको उभारने के लिए जो प्रोग्राम चलने चाहिए थे वो इफेक्टेड होंगे। जैसे कि हम सबको मालूम है कि लोअर इनकम ग्रुप के बच्चे निगम के स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हमारी पार्टी की शुरू से एक परिपाटी है, नर सेवा नारायण सेवा। आप पिछले 15 साल का रिकॉर्ड उठा कर देखिए, निगम के स्कूलों में भले निगम में पैसा था या नहीं था, भले दिल्ली सरकार ने हमारे साथ कितना भी इनजस्टिस किया, हमने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दिया। आप ये देखिए कि रेगुलर नियमित रूप से हमारे हेल्थ के कैंप लगते थे, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि बच्चों का जनरल चेकअप ना हुआ हो। सभी बच्चों का जनरल चेकअप होता था, आंखों की टेस्टिंग होती थी, बच्चों का डेंटल चेकअप होता था, वो 100% होता था। ये पहली बार है निगम में, पहली बार है कि बच्चों का हेल्थ कैंप नहीं लगे। ये बहुत ही चिंता का विषय है, तो मैं आपसे पुनः दोबारा आग्रह करता हूँ कि इस विषय को उठाया जाए और उनसे पूछा जाए कि बच्चों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार क्यों हो रहा है। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे राष्ट्र सर्वप्रथम वंदे मातरम जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।